नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में अमेरिका को करीब करीब बराबरी की टक्कर देने वाले चीन के बाजे अब बजते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन की हालत इस वक्त काफी खस्ता हो गई है। यानी जो चीन एशिया में सर्वे सर्वा और अमेरिका के सामने गर्दन उठाने की जरूरत करता दिखाई देता था, वह भीतर से खोखला होता जा रहा है। मतलब जो बाहर से दिखाई देता था, हकीकत में चीन उससे बहुत दूर हो चुका है। चीन ने हाल ही में देश के आर्थिक विकास के जो आंकड़े पेश किए हैं, वह चौंकाने वाले हैं। खास बात यह है कि चीन ने इन आंकड़ों को तब पेश किया है जब हाल में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार खत्म हुआ है। दोनों देशों के बीच पिछले दिनों ही एक ट्रेड समझौता हुआ है। ऐसे में अमेरिका और भारत ने शायद चीन के आर्थिक विकास की जारी रिपोर्ट देखकर राहत की सांस ली होगी। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर ने ड्रैगन की कमर तोड़ दी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन की आर्थिक वृद्धि 2019 में लगभग 30 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है। 1990 के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था में यह सबसे धीमी दर है। चीन की पूरे वर्ष वृद्धि दर 6.1% रही है। इसके पूर्व 2018 में यह 6.6% थी। जानकार इसके लिए अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार को प्रमुख कारण मान रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिक ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो एक वर्ष में चीन की आर्थिक वृद्धि दर में हर तिमाही में गिरावट हुई है। हर तिमाही रिपोर्ट में यह गिरते हुए क्रम में है। अगर इसकी तुलना वर्ष 2018 से की जाए तो यह वृद्धि 6.5 से घटकर 6% पर पहुंच गई है। हालांकि साल के शुरुआत में यह महज 0.1% तक गिरी है, लेकिन इसके बाद इसके गिरने का सिलसिला रुका नहीं और वर्ष के अंतिम दो तिमाही में यह महज 6% पर पहुंच गई। इस तरह से साल के अंत में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। चीन दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में से एक है। चीन की आर्थिक शक्ति होने का अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका ड्रैगन को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, इसलिए दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर शीत युद्ध जैसे हालात रहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का सिलसिला वर्ष 2018 से चल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वृद्धि दर में महज 0.5% गिरावट से चीन में कोहराम मचा हुआ है। चीन की अर्थव्यवस्था में 0.5% की गिरावट भी काफी अहम है। दो वर्षों से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा है, लेकिन दो दिन पूर्व दोनों देशों के बीच ट्रेड वार में बड़ी राहत मिली है। अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण का व्यापार समझौता हो गया है। इससे बुधवार को दुनिया के प्रमुख बाजारों में तेजी देखी गई। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के उप प्रधानमंत्री लियू ही ने समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के बाद वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्स शुरुआती कारोबार में चढ़ गया। इसमें 0.00% की वृद्धि दर्ज की गई। जापान सहित एशिया प्रशांत देशों के शेयर भी 0.21% बढ़ गए। जापान के निकोई में भी 0.14% की वृद्धि हुई। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 130 अंक तक मजबूत होकर 42,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।